क्वेश्चन, सेल वॉल ऑफ एस्केरेन काइमेटियल सेल्स हैव अ लार्ज परसेंटेज ऑफ, यहाँ पूछ रहा है कि एस्केरेन काइमेटियल सेल्स में लार्ज परसेंटेज के तौर पे वगैरह होता क्या है, क्या सेल्यूलोज होता है, क्या पेक्टिन होता है, लिग्निन होता है या सिलिका होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एस्केरेन काइमेटियल सेल्स अगर करते किसे है। हमारे पास जो टिश्यू सिस्टम है उसमें से परमानेंट टिश्यू सिस्टम में दो पार्ट आता है, एक सिंपल टिश्यू आता है, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू आता है। सिंपल टिश्यू का भी तीन पार्ट है, पैरेन्केमा, कोलेन्केमा, स्क्लेरेन्केमा। और यहाँ पे जो बात हो रही है ये स्क्लेरेन्केमा की बात हो रही है। स्क्लेरेन्केमा क्या होता है, स्क्लेरेन्केमा एक डेड टिश्यू होता है जो कि इसका मेन फंक्शन होता है सपोर्ट मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है फाइबर और स्क्लेराइड्स। यहाँ मैंने स्क्लेराइड्स के डायग्राम बना दिए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में सिंप्लीफाई हो। स्क्लेराइड यहाँ पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा डिपोजिशन क्या चीज होता है, ये जो बीच में आपको देखा है ये छोटा सा जगह खाली होता है, बाकी पूरा चीज डिपोजिट होता है, पूरा चीज भरा होता है, कॉम्पैक्ट नहीं भरा होता है। किस चीज का, लिग्निन का भरा होता है। इसलिए यहाँ पूछ रहा है कि स्क्लेरल काइमेटियल सेल्स में सबसे ज्यादा क्या परसेंट होता है, वो है लिग्निन।